नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज 24। आज अहमदाबाद में रिटायर डीवाईएसपी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तरुण बारोट और चरणजीत सिंह सरना, विशाल भाई पंड्या तथा कोटिया धीरूभाई, निकुल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और अन्य दाताओं की सहयोग से समूह लगन का आयोजन किया गया। यह प्रोग्राम अहमदाबाद के बापूनगर विस्तार में रखा गया था, जिससे सभी जोड़ों की शादी कराई गई। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज 24। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर से जो समाज सेवक की तरफ ने अपने करियर को बदल लिया। जी हाँ, हम आपसे मिलाने जा रहे हैं आपको रिटायर्ड डीवाईएसपी तरुण बारोट जी से। सर सर, आप पहले तो ये बताइए, जैसे पुलिस ऑफिसर से जो है समाज सेवक कैसे बने आप? हम तो पुलिस ऑफिसर एक बड़ा समाज सेवक बन सकता है, और पुलिस में भी हमने समाज सेवा ही किया है, इसलिए हम पहले से ही समाज सेवक थे। बहुत अच्छी बात है सर। ये जो समाज सेवक जैसे आप बने, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हम तो 28 साल तो सर्विस में समाज सेवा की, और फिर जब से रिटायर्ड हुए तब से ये चालू है समाज सेवा। तो सर का जो कहना भी अच्छा है चीज है कि जो पुलिस में रहते हुए जो है पर्सनल काम नहीं होता, समाज के लिए जो जीवन जिया जाता है, तो समाज सेवक जो है, जैसे सर ने बताया कि पुलिस में रहते हुए भी समाज सेवा की और रिटायर के बाद में भी इन्होंने जो है अभी तक समाज सेवा करते आ रहे हैं, और आज इनके द्वारा और यहाँ पे कितने जो ट्रस्टी लोग हैं उनके द्वारा जो उनके सहयोग से एक जो सामूहिक लगन जो रखा गया है उसके विषय में, तो ये समूह लगन के विषय में कुछ जानकारी देंगे आप? हम लोगों ने यहाँ हम 26 साल से यहाँ सदावत चलाते हैं। ये एरिया मिल मजदूरों का और गरीबों का एरिया है। यहाँ खाने की भी लगभग असक्त गरीब आदमी है, बीमार टाइप के बड़े बड़े आदमी, उनको खाने की भी तकलीफ पड़ती है, और अभी बहुत काफी है। तो हमने 26 साल से यहाँ सदावत चालू किया है। तो मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी है, उन्होंने चला, उनको साथ में लेके हम चलते थे और चलाते थे 26 साल से। फिर हम रिटायर्ड हो गए तो हम लोग वहाँ चालू किया, और ये लॉकडाउन था जब कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन 1, 2, 3 और अनलॉक 1, 75 डेज हमने लगभग 5.5 से 6 हजार लोगों को यहाँ एरिया में, पूरे एरिया में जितने तकलीफ वाले थे उनको सबको खाना दिया। अरुण जी के इंटरव्यू से एक और बात जानने को मिली कि जैसे इनके पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और अच्छी बात है जो वो बोलते हैं ना कि खून में जो लिखा हुआ रहता है जो उसका असर देखने को मिलता है, तो जो एक स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके जो लड़के जो है पुलिस ऑफिसर के बारे में भी उनके परंपरा जो बनाए रखा जो समाज सेवा का काम का जो है, आइए पूछते हैं यहाँ पे जो और भी लोग हैं। सर आप इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? सर के पिताजी जो हम लोग का मतलब है एक बहुत अच्छा मौका है कि जो इनसे दर्शन करने के मौका मिला, सर आप कुछ इस विषय में बोलना चाहेंगे? आप मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो काम और लोग नहीं कर सकते हैं वो सब अभी एक सब काम कर रहे हैं। जैसे कि समझो कि इस एरिया के अंदर कहीं दुविधा है लोगों को, तो वो सब लोगों की दुविधा साफ समझते हैं और कैसे लोगों की सेवा करना, तो उस तरह से साफ कोई भी आदमी उनके पास आता है, कोई भी काम लेके आता है, तो साफ हंसते हंसते उनका काम करने की कोशिश करते हैं, और बने वहां तक साहब को कभी भी कहीं भी बुलाते हैं तो साहब अपने आप वहां जाते भी है। साहब को ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ, आम आदमी की तरह साहब लोगों के अंदर जो झिल मुल कर रहते हैं वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, सेवा करने का भावना एक जुनून होना चाहिए। अरुण बारोट जी में बहुत ही अच्छा जो संस्कार जो है और उनके पिताजी के जो द्वारा जो दिया गया वो इस संस्कार को पीएनजी न्यूज 24 सलाम करता है। धन्यवाद।